અમારી D9 ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ક્લિક કરો, બે આઇકન કરો અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। प्लास्टिक ए विश्वनु सौथी वधु भूमि प्रदूषण करतु परिबळ बनीने सामे आव्यु छे। त्यारे सरकारे प्लास्टिक पर प्रतिबंध पण मूक्यो छे। भारत सरकारनी सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी द्वारा वेरावळ लेबोरेटरीमां सी वीडमांथी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार करवामां आव्यु छे। आ प्लास्टिक हालमां उपयोगमां लेवाता सिंथेटिक प्लास्टिकथी अनेक गणु प्रदूषण मुक्त छे। तेनी भौतिक लाक्षणिकता तेने टूंक समय में प्रकृति में भड़ी जवा माटे मददरूप करे छे। त्यारे प्लास्टिक कचरा ने कारणे जाम थती गटरो अने प्लास्टिक खाईने मृत्यु पामता पशुओं माटे आ प्लास्टिक रामबाण उपाय कही शकाय। एक्चुअली हमारा संस्थान CIFT जो है इस पे बहुत दिन से काम कर रहा है कि हम लोग कुछ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाए। इस दिशा में डिफरेंट तरह का बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाएं। उसी दिशा में एक ये सीवीड एक्सट्रैक्ट से बनाया गया बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। इसमें हम लोगों को लगता है कि इनिशियल सक्सेस मिल चुका है और हमारे पास प्रोटोटाइप अवेलेबल है और इसका जितने तरह का कैरेक्टराइजेशन हो सकता है साइंटिफिक कैरेक्टराइजेशन वो हम लोग कर चुके हैं। लाइक ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट, वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट और इसका थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके बाद सीलिंग प्रॉपर्टीज, ये सब हम लोग ऑलरेडी कैरेक्टराइज कर चुके हैं और जो उसका नतीजा है, उसका जो रिजल्ट है बहुत ही उत्साहवर्धक है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसको जल्दी ही मार्केट तक ले जाने में सफल होंगे। सबसे अच्छा जो हमारा ट्रेडिशनल सिंथेटिक प्लास्टिक है उसके मुकाबले इसका ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। हाँ, बहुत ही जल्दी ये इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिग्रेड हो जाता है, जो कि हमारा जो पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक प्लास्टिक है वो नहीं होता। यही इसका सबसे बड़ा खासियत है। तैयार करवामां आवेला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नी मजबूती अने क्षमता सिंथेटिक प्लास्टिक जेटली ज जोवा मळे छे। साथे आ प्लास्टिक में रोग प्रतिकारक मेडिकल द्रव्य पण सरळताथी उमेरी शकाय छे, जेना कारणे फूड पैकिंग इंडस्ट्रीज में पण आ प्लास्टिक आगामी समय में क्रांतिकारी साबित थई शके छे। त्यारे चेन्नई थी ICT कंपनी अने राज्यनी बीजी औद्योगिक कंपनीओए CIT-નો संपर्क कर्यो छे अने तेमनी जरूरियात अनुसार आ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार करवा वैज्ञानिकों द्वारा चर्चा थई रही छे। इसको जब बनाते वक्त इसके अंदर हम बहुत सारा चीज मिला सकते हैं जिसका अपना फंक्शनल प्रॉपर्टी है। सपोज हमको कुछ मेडिकल प्रॉपर्टी का मटेरियल इसमें मिलाना है वो हम मिला सकते हैं, कुछ एंटीबैक्टीरियल चीज इसमें मिलाना है वो मिला सकते हैं। तो जैसे अभी उसके अंदर फूड पड़ा हुआ है और इसमें अगर एंटीबैक्टीरियल ये मिला हुआ है तो उसके फूड के ऊपर अटैक करने का, बैक्टीरियल अटैक का चांसेस कम हो जाएगा। तो हम लोग डिफरेंट ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस वेरावल संस्थान और हमारी कलीग विशाखापट्टनम सेंटर में है, वो भी काम कर रही। तो ये टीम वर्क है और हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं और हमारे हाथ में एक सक्सेस, छोटा ही सक्सेस लेकिन है, और हमको उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही जल्दी बेहतर नतीजे पर पहुंचेंगे और इसको मार्केट कर सकेंगे। हाँ, अभी अभी जस्ट मुझे मीन्स ITC चेन्नई से बात हुई है, बड़ौदा की एक कंपनी से बात हुई है, पोरबंदर में अमर एक्वेटिक केमिकल से उनसे भी बातचीत चल रही। तो हम लोग अभी डिफरेंट इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट है और उनके हिसाब से इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उस पर बात चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट D9 न्यूज़।